बच्चों, आज हम कक्षा 7 वसंत के एक पाठ रहीम के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। रहीम के दोहों का भी पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि रहीम के दोहे पढ़ने से हमारे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्य मतलब मॉरल वैल्यूज का विकास होता है, और उन्हें अपने जीवन में ढालने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इससे आप जो है प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो आइए पहला दोहा करते हैं। कही रहीम संपत्ति सके, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। इस दोहे में बताया गया है कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो उस समय बहुत से लोग हमारे तरह तरह से मित्र बनने का प्रयास करते हैं, हमारे निकट आने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब फिल्टर हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे सच्चे मित्र हैं वो मुसीबत में भी हमारे साथ बने रहेंगे, और जो बनावटी मित्र हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो इसका जो भावार्थ है, इस दोहे का भावार्थ है वो है कि जो संकट में साथ दे वही सच्चा मित्र है। आया समझ में आपको? आइए अब हम दूसरा दोहा करते हैं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। इसका मतलब ये है कि जब पानी में जाल डाला जाता है उस समय क्या होता है कि जाल में मछली फंस जाती है, और उसको जब बाहर निकाला जाता है तो वो पानी के साथ इतनी ज्यादा उसकी अटैचमेंट होती है कि वो उसके बिछोह में, उससे बिछुड़कर अपने प्राण तक त्याग देती है। वो उसके मोह में इतनी फंसी रहती है कि अपने प्राण तक त्याग देती है। लेकिन पानी को उससे मोह नहीं होता है, उससे प्रेम तो है, प्रेम है तभी तो उसको जीवन देता है, लेकिन उसको मोह नहीं है। प्रेम और मोह में अंतर होता है। प्रेम होता है कि हम किसी से सच्चा प्रेम करें और उसको अपना जीवन जीने की प्रेरणा भी दें और स्पेस दें, उसको स्थान दें। लेकिन मोह क्या होता है, हम किसी को जकड़ के रखते हैं अपने साथ में, ठीक है, हम उसको जाने नहीं देते अपने पास से। तो मछली को पानी से मोह है, उससे बिछुड़कर वो अपने प्राण भी त्याग देती है, लेकिन पानी को मछली से प्रेम तो है पर मोह नहीं है। वो क्या करता है, जैसे ही मछली जाती है परिस्थिति के अनुसार वो व्यवहारिक हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा, और वो फिर वापस से अपना बहना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है इस दोहे से कि भावार्थ इसका जो है, मनुष्य का व्यवहार तथा सच्चा प्रेम विपरीत परिस्थिति आने पर ही पता चलता है। इस दोहे में तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। अब यहां पर रहीम जी कहते हैं कि पेड़ जो है वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते तथा अन्य प्राणियों के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह से तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, बाकी संसार के प्राणियों के लिए छोड़ देता है। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार यानी कि दूसरों की भलाई के लिए धन एकत्रित करते हैं। अब इस दोहे का भावार्थ ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का भला करना होना चाहिए। आइए अब चौथा दोहा करते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाचिली बात। अब इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो लोग पहले धनी थे किंतु अब किसी कारणवश वे निर्धन हो गए हैं, तो वो अपने पुराने समय का ही गुणगान करते रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो क्वार के बादलों के समान है जो केवल गरजते हैं बरसते नहीं। तो इसका भावार्थ ये है कि हमें सदैव वर्तमान में ही रहना चाहिए और अपने कर्म पर, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पुरानी बातें कर करके खुश होते रहना चाहिए। अब इस पाठ के आखिरी दोहे की ओर बढ़ते हैं। वो इस प्रकार से है कि धरती की सी रीत है, सीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में धरती पर अनेक ऋतुएं, सर्दी गर्मी बरसात आते जाते रहते हैं, है ना, हर साल मौसम चेंज होता रहता है,
और हम इन ऋतुओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं, है ना। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि हम जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं, और बरसात में छाता ले लेते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं और हमें अब उसी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए जैसी परिस्थिति जीवन में आए। और इनका मतलब ये है कि हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, ठीक है। अब इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है कि हमें हर परिस्थिति से जूझने की क्षमता का विकास करना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको रहीम के दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई संशय है यानी कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।